ये मेरी चांद जैसी बहू। भाई शॉपिंग करते करते सारा सामान ले लिया था, एक चीज याद रह गई थी, ये देखो बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है भाभी ने, बहुत सुंदर है। देख लो भाई भीड़ देख रहा सुबह सुबह। भाई ट्रिप अपनी बहुत अच्छी रही, बहुत मजा आया, सबने एंजॉय किया बहुत अच्छे से। जी गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल मैन ऑन व्हील्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और व्लॉग के अंदर। आज है हमारा डे 5 हमारी ट्रिप का। माता वैष्णो देवी आए थे हम दिल्ली से, आपने जैसे कि पिछले 4 व्लॉग्स में देखा होगा हम दिल्ली से कैसे आए, ट्रेन से 3rd AC करके आए, फिर हमने आके होटल्स लिए, यहाँ से फिर हम ट्रैक करने गए, अर्धकुंवारी माता के दर्शन करे, फिर भवन पे गए, फिर भैरव जी के दर्शन करे, फिर वापस नीचे आए, कल पटनी टॉप गए। अगर आप लोगों ने सारी वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जाके प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए, बहुत ही अच्छी वीडियोस बनी है। और रील्स वगैरह फोटोज़ वगैरह देखने के लिए इंस्टाग्राम की आईडी भी नीचे आ रही होगी, वहाँ पे आप जाके ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो। बाकी आज का प्लान बस यही है कि आज कहीं जाना नहीं हमें, सो इसलिए आराम से उठे हैं। अभी टाइम बता रहे तो आपको सुबह का टाइम हो चुका है 10:51 सुबह के हो चुके हैं, 12 बजे तक रूम चेकआउट करना है एंड अभी बस यहाँ से निकलने की कर रहे हैं तैयारी। और अब नहा धो के रेडी शेडी होके मिलते हैं आप लोगों को। जस्ट अभी 10-15 मिनट हुए, सो के उठ के फ्रेश वगैरह हुए हैं, सोचा आप लोगों को बता दूं। आज का कुछ प्लान हमारा कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पे जो लोकल मार्केट है वो एक्सप्लोर करनी है, घर वालों के लिए सामान लेना है, प्रसाद वगैरह लेना है, कुछ चीज़ें और पसंद आएंगी तो मार्केट एक्सप्लोर करते टाइम वो चीज़ भी लेनी है। आज का प्लान बस यही है, कहीं जाना नहीं था इसलिए आराम से उठे हैं सारे लेट। शाम को अपनी ट्रेन है, आज शाम की ही 6:20 की डिपार्चर है अपना कटरा से। हाँ जी गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको टाइम बता देता हूँ, 11:53 अभी रूम के अंदर, एंड अब रूम खाली वाली कर चुके हैं, मैं आपको रूम दिखा दूँ, रूम हम खाली कर चुके हैं, यहाँ से चेकआउट हो गया अपना। देखो भाई थोड़ा रूम खाली कर दे, सब चेक कर लिया भैया कुछ रहा तो नहीं? चेक कर लिए सब। चलो ओके जी, बहुत अच्छी सर्विस थी ये अपने भैया। भैया आपका नाम क्या था? संजीव सर। संजीव शर्मा, थैंक यू भैया, सर्विस बहुत अच्छी लगी, आपका होटल बहुत अच्छा लगा, और फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे जरूर मिलेंगे भैया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं भाई अपना दूसरे रूम की तरफ, एक ही वाला रूम खाली करना था, एक ये भी खाली कर दिया, इसमें से भी सारा सामान बाहर, इसमें से भी सारा सामान बाहर, बस बचे अपने पास 3 रूम, तो इनके अंदर सारा सामान रखा रहेगा अभी शाम तक। शाम को 6 बजे यहाँ से निकलेंगे, एक रूम ये है, एक रूम ये है एंड एक रूम ये वाला है, 3 रूम ही पैकेट बचे, बस शाम को निकल जाएंगे 6 बजे यहाँ से ट्रेन अपनी। एंड इधर सब ऑल ओके, सब रेडी शेडी हो गए हैं। ए अंकल जी एकदम लाल है। क्या बात है भाई, सब रेड रेड। हाँ भाई निक्की भाई रेडी शेडी बोले एकदम, आंटी जी चलने के लिए तैयार? हाँ शॉपिंग करनी है पूरी, एकदम पूरी शॉपिंग करनी है। पैसा हमारे सेठ जी के पास बहुत पैसा, बहुत पैसा मेरे पास, बहुत पैसा आपको पूरा फन देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे भाई। लो जी फिर से आ गए छत पे फोटो शूट कराने, यहाँ चल रही है मस्ती, वहाँ चल रहा फोटो शूट, वहाँ चल रहा हेलीकॉप्टर, यात्रियों को दर्शन कराने जा रहा माता के भवन पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे होटल के पीछे से डायरेक्ट रास्ता जा रहा है पूरा भवन के लिए, सामने अर्धकुंवारी माता का मंदिर है, ऊपर सांझी छत है, उसके जस्ट बैकग्राउंड में ही है अपना वैष्णो माता का मंदिर। कल वहाँ से परसों जब नीचे उतर रहे थे ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी हाइट पे हम उससे, हम मज़ेदार कराते हैं फोटो शूट बढ़िया बढ़िया, और फिर चलते हैं यहाँ से कुछ खाने पीने, ठीक है भाई मिलते हैं, बाय बाय। हमारे छोटे पहलवान कैसे हो, हाय हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो, हेलो हेलो प्याला बच्चे की तरफ से जय माता दी सभी को, बाय 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 बाय। लो जी आज तीसरा दिन और फिर से आज हम सागर रत्न, भाई खाना इनका इतना बढ़िया है, हम तीसरी बार भी यहीं आ रहे हैं।
मजेदार भाई, वो भाई गएगा रोज अलग अलग कपड़े बदल के आते हैं लोग, ये रोज अलग अलग कपड़े में आ जाते हैं सारे के सारे इकट्ठे हो गए। सेम लोकेशन, सेम चीज, बस बंदे सारे कपड़े चेंज, बंदे भी सारे सेम। खाना पीना खा लिया है, अभी जा रहे हैं शॉपिंग करने, और धूप इतनी तेज़ हो रही है ना अभी का, 21 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का, देख रहे हो इतना सड़ा मौसम है। देखो मुझे नहीं लगता कि बर्फ़ बर्फ़ पड़ने के चांसेस हैं, अब कोई चांस नहीं है बर्फ़ बर्फ़ गिरने के, वो स्नोफॉल वगैरह के अगर उसमें बैठे हो तो ठीक है, नहीं होने वाली स्नोफॉल अब भाई। यहाँ से शुरू होता है अपना मेन बाज़ार, लेफ्ट से जहाँ से आप टिकट्स वगैरह लेते हो यहाँ पे, यहाँ से इधर राइट में रास्ता जा रहा है ना, पूरा मेन बाज़ार ही है पूरा ये, यहाँ आपको जो शॉपिंग करनी है वो कर सकते हो, जो चाहिए वो मिल जाएगा, सब चीज़ की शॉप है यहाँ पे भाई। प्रसाद उसाद हमने सब ले लिया है, और अपना बिल बना है 1270 रुपये का, पूरा थैला भर गया अपना भाई। अखरोट ले लिए, घर के लिए प्रसाद ले लिया है, और जो बाकी छोटी मोटी चीज़ें थी सब ले लिए, टीका वगैरह सब ले लिया अपना भाई, सारी शॉपिंग डन। अब बस लेना है बाहर से शॉपिंग का सामान, तो मेन चीज़ तो हो गई भाई, जो घर वाले भी लेते हैं। जय माता दी, मिलते हैं आगे भाई। मार्केट में ना ये चीज़ बड़ी प्यारी मिल रही है, ये देखो की चेंज है 30-30 रुपये के, और यहाँ पेंट पे ना नाम लिखवा सकते हो भाई, यहाँ पे मैंने नाम लिखवाया, किसी का मैं दिखाऊंगा नहीं, ये देखो भाई इसके ऊपर लिखा रहता है नाम, ऐसे बड़ा प्यारा लगता है भाई। शॉपिंग करते करते सारा सामान ले लिया था, एक चीज़ याद रह गई थी, ये देखो ये जैसे नेम प्लेट देख रहे हो घर के लिए, ये बनवा रहे भाई अपने घर की नेम प्लेट है। वहाँ भैया एक पत्थर, ये कॉर्नर की शॉप है पान वाले भैया की अपनी, जहाँ से माता का रास्ता जा रहा है उनके साथ में बैठे हैं ये भैया अभी, ये बना रहे बढ़िया, देखो भाई ये कितनी प्यारी लग रही है, और शाइन भी मार रही है देखो, बढ़िया फिनिशिंग में एकदम, बहुत प्यारी लग रही है। ओनली 200 रुपीज़, सिर्फ 200 रुपीज़ की पूरी उन्होंने हाथ से बना के दी है, हैंडमेड, अच्छी चीज़ है यार, याद रहती है चीज़ें यार, घर पे जब जाते हैं ना तो ये चीज़ें याद रहती है कि वहाँ से लेकर आए थे, निशानियाँ बन जाती है चीज़ें। थोड़ा और कर देते हैं इसको, है ना, वही कर रहे हैं बड़े चावल पैक शाम के डिनर के लिए, और ये अपना सारा सामान प्रसाद वगैरह। ये मेरी चांद जैसी बहू, इधर भी शराब करो वाल के, तो उन्हें मिलते हैं ना ढोल वालों को, नहीं पीछे खड़े होते हैं। One hour later, फाइनली भाई निकलने की हो गई तैयारी, टाइम आपको बता नहीं सकता क्योंकि दोनों हाथ में सामान है, देखो पूरे में भरा हुआ है, तो सामान वाल सब अपना पैक्ड हो चुका है, यहाँ से कर रहे हैं निकलने की तैयारी, अब सीधा जाएंगे भाई सर। सामान ही सामान है, सामान ही सामान हाथ में, दोनों हाथ देखो भरे पड़े थे, एक हाथ में कर रखा सारा सामान, और फाइनली भाई पहुँच गया रात में, ट्रेन हमारी 7:55 की थोड़ा लेट हो गई, पहले 6:50 की थी, एक घंटा लेट हो गई ट्रेन हमारी, तो अभी पहुँच गए हैं स्टेशन पर, अब यहाँ से बैठेंगे ट्रेन में, चेकिंग वेकिंग करवा के, एंड फिर आपको मिलते हैं आगे, थोड़ा सामान वहाँ रख के हाथ रिलैक्स करें, फिर मिलते हैं आपको, टिल देन बाय बाय। चार पे हमारी ट्रेन खड़ी है सामने, बट अभी तक हमारे एसी कोचेस के गेट नहीं खुले हैं, यहाँ खुल गया आई थिंक, बट देखते भी सामान वहाँ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, खोल दिए गेट भाई खोल दिए, चलो अब सामान वहाँ रखते हैं पहले फर्दर, कि सारा सामान फटाफट से अंदर रखना है, और भैया इन सब का कोच है ये वाला, और हमारा कोच है पीछे वाला, मेरा और कनिष्क का, हम दो बंदों के कोच अलग हैं, बाकी सबके सेम ही है, फटाफट से सामान रखते हैं पहले अंदर, उसके बाद आपको आराम से मिलते हैं, बैग वैग उतार के आराम से, चलो बाय बाय। One hour later, भाई ट्रेन अभी निकली थी हमारे यहाँ से, और ये देखो आंटी ने क्या ही कर दिया भाई इतनी देर में, ये देखो पूरी फिनिश करती हुई मेहंदी लगाई, बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है भाभी ने, बहुत सुंदर। एक घंटे से आंटी बेचारी मेहंदी लगा रही, जब से ट्रेन में बैठे ना एक घंटा होने वाला ऑलमोस्ट, और तब से लगी हुई है भाई, मैं गारंटी किस काम में लग रही है, देखा तो ये देखो कितनी प्यारी मेहंदी लग रही है, पूरा एकदम बढ़िया तरीके से, अरे वहाँ पीछे भी है, आर्टिस्ट है भाई बड़े घर के सारे सारे लोग तगड़े आर्टिस्ट है भाई। ट्रेन में मेहंदी लगवाने के लिए बिना से संपर्क करें, बिना के वो सब्सक्राइब करें, वो भूल मेरे जवान फिसल जाते हैं, बिना के ब्लॉक में सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जवान से नहीं निकलता है, सब कर लो, समझ गए ना तुम लोग, समझो वो कह रही है सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करो जल्दी करो।
बड़ा ब्रांड है निक्की को तो निक्की को चाय कहां से आ गई चाय वो तुम तो आए वहां से बन रही थी अब देखो लेके किस में आए तुम्हें तो आए भाई जुगाड़ हुआ भाई इंडिया वालों का जुगाड़ बिल्कुल अलग चलता है भाभी क्या बात है फाइनली पहुंच गया भाई नई दिल्ली अब वाराणसी से मेट्रो निकलते थे अपने घर ओ भाई साहब भीड़ देख रहे हो कितनी हो रही है सुबह भाई सुबह सुबह भीड़ भीड़ देख लो भाई भीड़ देख रहे हो सुबह सुबह लो जी भाई फाइनली न्यू दिल्ली पहुंच गए हैं एंड अब जा रहे हैं मेट्रो में सामान वान रखने अपना जाएंगे मेट्रो से घर और यहाँ से लग जाएगा मुश्किल से और 40-50 मिनट घर पहुँचने में टिल देन एंजॉय करो सिनेमैटिक से पहले वाले भी एंजॉय करोगे आपने ये भी एंजॉय आंटी का रिएक्शन देखने जरूर सर हमें रुक जाना कदे आंटी आ रही है वहाँ आंटी फिर से सीढ़िया भाभी फिर से सीढ़िया सीढ़िया भाभी सीढ़िया तो गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन दिल्ली पहुंच गए फाइनली जैसे कि आपने सिनेमैटिक्स में देखा होगा अभी हम लोग ट्रेन से उतरे मेट्रो में चढ़े और फाइनली भाई घर के यहाँ पहुँच गए हैं अभी जा रहे हैं अपने घर वहाँ कन्या वगैरह जिमाएंगे वो मैं आपको उसके बाद सिनेमैटिक शॉट्स में डाल दूंगा वो आप देख लेना ठीक है सो भाई ट्रिप अपनी बहुत अच्छी रही बहुत मज़ा आया सब ने इन्जॉय किया बहुत अच्छे से 5 दिन की ट्रिप रही थी हमारी बहुत मज़ा आया निक्की भाई कुछ कहना चाहोगे बढ़िया मज़ा आया निक कनिश भाई मज़ा आया ट्रिप पे आई एक नंबर कल से वही झंडू लाइव शुरू यार कल से वही झंडू लाइव शुरू कल से पैरों की मालिश करेगा भाई सो ठीक है भाई इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं अपनी बीवी से इस वीडियो को फिर यहीं पर एंड करते हैं भाई ठीक है इसके बाद सिनेमैटिक डाल दूँगा वो आप चेक कर लेना तो ठीक है गाइस होप करते हैं आपको सीरीज में मज़ा आया होगा अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया यार कर लो सब्सक्राइब ठीक है और कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार क्या अच्छा लगा क्या नहीं ताकि उस पार्ट को फिर हम इम्प्रूव कर पाए नेक्स्ट टाइम सो ठीक है गाइस मिलते हैं टिल देन बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग कीप लविंग थैंक यू सो मच बाय बाय जय माता दी